और मोस्ट ऑफ द टाइम यही सीख होती है कि भाई रजत दलाल से दुश्मनी नहीं, नहीं। लेना <laughs> <नहीं। laughs> रजत दलाल का कलेश देखते हुए ना कभी किसी को ऐसा नहीं फील होगा यार मैंने टाइम वेस्ट किया <laughs> कुछ सीख मिलती है राजनीति <laughs> कुछ ना तो कुछ सीख थोड़ा लाइक और रजत दलाल ही गोज एंड डिलीवर्स फिजिकली एकदम से शिवजी आ जाएंगे बेटा अगर तू एक असली शिव भक्त है

सारी दिनचर्या मिस दिनचर्या में दिनचर्या की बात भी नहीं है दिनचर्या में होता क्या, क्या है? होता है एक सौ नौ में तू क्या हेलो, लेता भाई यार ऋषु भाई से बोल दो की पोस्ट डाल दे हेलो रिशु भाई आपका डायल किया गया वायरल होती बताइयो है नहीं बीपीओ वाला काम है थीक है नौ

<laughs> नहीं 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 अरे यार वो चीज़ नहीं है यार कि आदत खराब हो गई है ऐसा कुछ रात में बैठ के ना टॉम फूलरी हो जाती है अब नहीं करता मैं <laughs> अच्छा। अब नहीं करता मैं नहीं बैठता मैं, मैं, मैं चलाई जाता हूँ और दूसरी चीज हम आपने तो बड़ी जल्दी क्लासेज हाँ, दिखा दिया ऐसे कि मतलब हम कितने अलग दुनिया से मेरे को गाड़ी ही चलानी आती ना यार ये तो मतलब एज अ फरीदाबादी मैटर फॉर बिग डिबेट लाइक वाई आर यू स्टिल नॉट एबल टू ड्राइव लौड़ा <laughs> लंड से पता <laughs> है हमारी जनरेशन में ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन मतलब हमारे फादर की जनरेशन के लोग अगर सुन लेते ना बंदे को गाड़ी चलाने नहीं आती मुंह पे पता है पता पता है है तो क्या कोई कारण रहा कि कंटेंट बनाने में इतने बिजी रहे कि गाड़ी चलाना सीखने नहीं 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 की आदत हो गई नहीं कभी मतलब गाड़ी चलाने के रुझान भी नहीं आया मन में कि यार भाई हम भी सीखे यार सिंपल बता रहा हूँ मेरे को चढ़ा था शौक गाड़ी चलाने का जब मैं था सत्रह अठारह का तब घर वालों ने मार दिया कि भाई तू कॉलेज के लिए पढ़ ये वो कर ठीक है उसके बाद कॉलेज जैसी हुआ कहाँ था रेजिडेंशियल क्या हाँ। गाड़ी चलाऊ मैं है ना दो महीने के लिए आता हूँ उसमें भी क्या ही गाड़ी चला लूंगा मैं अपनी वीडियोस बना रहा था फिर जैसे ही कॉलेज से निकला तो अब भाई काम ही इतना बढ़ गया मेरा एक से एक, कि ये प्रोजेक्ट करना है, वो प्रोजेक्ट करना है, अब मैं नहीं बैठ सकता किसी आदमी के साथ चार बोलता है मैं नहीं कर सकता हूँ भाई कि भाई जैसी जिस दिन खत्म हुआ उस दिन भाई उसके आंसू निकल रहे ठेका चलेगा ऐसा कौन सा ड्राइवर है जो ऐसे ड्राइवर नहीं वो जो ड्राइवर स्कूल्स वाले होते हैं नाइव बहुत रिशु हम तो कई से पहले मिले थे ठीक है उस... आदमी <laughs> <आद्चा laughs> <आद्चा laughs> को मौका भी मत दे कि थोड़ा <laughs> सा वो बेचारा अपना संघर्ष सं... समझा पाए <laughs> ये मोटा था ना पहले तो तब हम मिले थे और उसके बाद तूने बहुत ही बढ़िया वेट लॉस करा जीवन भी अपना बदला कंटेंट भी बदला तो ये वो एंकर वाला सवाल है कि ये परिवर्तन आया कैसे यार कुछ काम वाम तो था नहीं मैं चला गया हाई एटस पे क्योंकि हाँ। मेरे को लेना था एक ब्रेक क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई थी कॉन्टेंट बर्नआउट हो गया था नहीं कंटेंट था बनाने को मेरे को बस वो बनाना नहीं था क्योंकि नज़रें बहुत ज़्यादा हो गई थी उस टाइम पे और बहुत ज़्यादा लोग एंटी हो रहे थे पर मेरे को लगा था कि मैं चला जाऊंगा और मेरे को लोग ऐसे मतलब बोल देंगे कि ठीक है इरेलीवेंट हो जाऊंगा ये वो पर उससे और ये हुआ कि उनका ये हुआ कि अब बना और बना और मैसेजेस आए yeah. मेरे को लग रहा था प्यार कम होगा भाई लेकिन ऐसा नहीं हुआ सो यू वांट टू मेक द सेम कंटेंट जो दुनिया को चल जाए ऐसा नहीं नहीं एल्गोरिथम मिल्क रहा रहा था था आर्टिस्ट बनना चाह वो जो फ्रैंक क्वेश्चन वाला जो मूव स्ट्रेटजी नहीं होता कि अपनी एल्बम निकाली और उसके बाद गायब हो गए नहीं बता दी ये होता वो है करता वो साथ? ऐसे लोग करते हैं आजकल बहुत सारे आर्टिस्ट बाहर के करने लगे हैं कि दे पर्पज परपसली डोंट दो वॉन्ट द स्पोट कार्टी कार्टी हो गया ये वो वो सारे के सारे आते हैं And बस does it work?

आई डोट थिंक मिस्ट्री करने बहुत करते हैं रैपर होते हैं अभी स्टार्ट किया और दो गाने डाले like <laughs> 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 स्पॉट ये सब

अर्पित भाई जी आपके साथ एक काम भाई जी हम आपके साथ में काम करते हैं और एंड इट्स वेरी वियर्ड क्योंकि आप बागी के गाने सुनो और बागी से आप ऐसे मिलो हाँ। इतना respectable, हाँ, इतना वो इतना रिस्पेक्टेबल इतना डिप्लोमेटिक इतना आदमी मिलने में तो उसने बोला कि प्लेयर्स तो अब मेरे पास hmm. कोई रेफरेंस पॉइंट था नहीं कि, like, like, तक, जब कर रहा with, it, uh, to, like, नहीं, जो था उसके अंदर uh, मैंने ट्रैक पे पहले दे दिया था उसके बाद बागी मुंडा आया था आई अ फीचर ऑन दैट ट्रैक धनजी के बाद तो ये चीज हुई थी एंड देन uh, मेरे को पता नहीं था हाउ डू आई गो विद बागी मुंडा तो उसने मेरे को बोला मुझे ना फूसी कैंग नहीं चाहिए मुझे अर्पित बाला अर्पित बाला बाला तो क्या है समझ नहीं आया मैंने तो मैंने ना बहुत सारी उसकी डिस्कोग्राफी पूरी छान दी हाँ। जितने गाने थे और मैंने सोचा इसकी वाइब मैच करने की कोशिश करते मैंने पहला ड्राफ्ट लिखा ऐसा लग रहा है बागी मुंडा नहीं लिखा <laughs> <laughs> सुन के बोलता मुझसे अच्छा है भाजी अच्छा है बटी पैरिटी uh... कर

तेरा आप सुनते हैं ना कि ये हमारे शहर का ही लड़का है या या या। अब तो ये कर सकता है बुढ़ापे में आदमी ये कर सकता है ये हमारे शहर का बड़ा राइजिंग लड़का है ये हमारे शहर के बड़े होनहार लड़के हैं ये इस डेली के बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। आदमी बचता यही है ना <laughs> जब आदमी वीडियो, वीडियो पॉडकास्टिंग पत्रकार बन जाता है ना जिसमें इंटरव्यू करता रहता है तो जो भी कोई आता है

के yeah, yeah, <laughs> आप के लोगों के लिए ऐसी बाई चांस कोई अगर तुम्हारे नाम के पैसे आए तो हम भी तो कट कर एक, एक, एक दलाली होनी चाहिए तो तो ना किसी तो ना किसी तो की दलाली फिर ये बताओ कि हॉलिडे होमवर्क तुमने डीपीएस की यूनिफॉर्म में उसमें दोनों हो मैंने कमेंट्स पढ़ रहा था इंस्टाग्राम पे तो बड़े सारे लोग कह रहे थे यार कि बताओ भैंजी एक वीडियो के लिए इतनी प्रमो कर रहे हैं ऐसा क्या है तो आप, आप क्या अमित और उसको ऐसा कर रहे हैं <laughs> 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 तो वो वाली चीज थी एंड वी 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 वर वर्किंग ऑन दी स्केचेस फॉर लाइक व्हाट 2 इयर्स या 2 इयर्स 2021 में लिखे थे हमने अच्छा तो उन्होंने इसको दोबारा से रिफर्बिश कराया हां 2021 में पहली बार लिखा थे 2022 में उसको पॉलिश करा पॉलिश करा 2023 में आई वुड से वर्कशॉप किया थोड़ा सा और पॉज आ गया और फिर उसके बाद इंप्रूव करके बनाया लास्ट थोड़ा बहुत एंड में इंप्रूव करा नॉट रियली मैंने तेरी प्रोसेस देखी इंप्रौ हुई है वैसे Hmm. जब हम तुमने यहाँ पे वो वो वीडियो शूट करा था। yeah. बिल्कुल लास्ट मिनट में है सारी चीजें। नहीं, स्केच really. के लेता अच्छा, okay. yeah. uh, कभी कभार होता है ना कि मतलब जस्ट आर कॉन्फिडेंट विदीम्मेट यू टू इम्प्रोव लाइक यू वॉन्ट इूव इनर स्क्रीन

हम लोगों को पता नहीं था कि ये लोग फटने वाले हैं हम हाँ। लोगों को तो ऐसा था कि भाई हाँ भाई, ना ना। इस बंदे क्योंकि डिक्टेटर करके एक और है, वो ना पागल आदमी <laughs> <laughs> <में। laughs> वो बहुत चटक आदमी लगा था मुझे तो उसकी स्टोरीज और हाईलाइट देख के मतलब मैंने ऋषु को बोला था नीड टू नीड टू हिम चाहे कुछ हो जाए मतलब एक पूरा स्केच हमने आधा छोड़ दिया था हम लोग रहे थे अब यहाँ से कहा जाए

हाँ एक एक आई एम सो ग्लैड एक इंस्टाग्राम पे एक नया वो बन गया है एक नया जो होता है ना हाँ, कि एक एक इकोसिस्टम है एक नया इकोसिस्टम बनाया बना है जो मतलब बहुत ज्यादा वैसे टाइप का है लाइक

मैंने इतनी वीडियोस देखी है को समझ नहीं आता कि लोग किस तरह उसको एक डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक लॉर्ड सेवियर गॉड मानते हैं एंड आई सी कि उसकी छोट-छोटी के आ रही होती है वेरी गुड नेशनल तो तो वो चीज़ मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि इस बंदे ने इतनी शिद्दत से ये सब कुछ किया है एंड एवरीथिंग एकदम से इसके अंदर का नायक जागता है एंड इज जस्ट लाइक लाइक अब अब तुम तुम देखो देखो बट या आई आई थिंक नकुल हैकुल सॉरी आई लाइक रजत दलाल नॉट फॉर वॉट ही इज डूइंग जैसे मेरे अंदर का एक वो जो है ना सोशल जस्टिस वाला आदमी नहीं बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू सी लाइक यू नो कि ये कहाँ तक जाएगी बात लाइक आई फॉर द ड्रामा टू बी ऑनेस्ट बट इट्स फन इट्स फन इट्स फन एक एक सेंस ऑफ मोरालिटी भी रहती है उसकी वीडियोस में I know, I know. एक सेंस <laughs> एक सेंस ऑफ वो भी रहता है कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो मतलब कभी भी ना किसी को रजत दलाल का कलेश देखते हुए ना कभी किसी को ऐसा नहीं फील होगा यार मैंने टाइम वेस्ट किया <laughs> कुछ सीख मिलती है राज में <laughs> कुछ ना तो कुछ सीख और मोस्ट ऑफ द टाइम यही सीख होती है कि भाई रजत दलाल से दुश्मनी नहीं लेनी ठीक है भाई ये कैसी है रजत दलाल से दुश्मनी नहीं लेनी इट्स लाइक इफ बॉबी कटारिया टर्न्ड एविल एंड रैट द पचतंत्रा ही वुड गेट रजत yeah. दलाल या yeah. नहीं आई आई वुड से यार उनका इकोसिस्टम तो बिल्कुल ही अलग है बॉबी कटारिया और उसकी बीवी अब वो बेचते हैं क्या जॉब्स जॉब्स बेच रहे हैं

वहाँ पे एक प्राइवेट रूम में लोग महारानी सुन रहे थे हाँ। और वो लोग बिल्कुल नहीं लग रहे थे सुनने वाले कि महारानी सुनेंगे वो उनको देख के मतलब व्हाट इज़ दैट मीन मतलब वो इस तरह के लोग थे कि हट जाता हूँ पाचे नए के जो लेटेस्ट गाने आएंगे शायद हाँ वो, वो सुनेंगे तो मेरे को थोड़ा यस यस मुझे लगा हम पे शॉर्ट नहीं अमीर घर के थे नहीं नहीं मैं या तो तुमसे भी गिरे हुए थे

With you? Yeah, because I need to talk to you about that. कौन सा पॉड कैमरा भी बात करेगा? Yeah, I wanted to because पहले तो I would say I apologize for what? For being so I would say मैं अब जब उस पॉडकास्ट को देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि maybe I was projecting.

I don't know. Yeah. How is the creator economy serving you? Creator economy serving me. Hmm. मतलब कैसे? मतलब अब जैसे तूने बहुत टाइम से वीडियोस नहीं बनाए थोड़े थोड़े बनाए तो तू एक सॉर्ट ऑफ एक आर्क पे है कि हॉलिडे होमवर्क इज द बिग लाइक कम स्टोरी डू यू फील लाइक दैट

Mm. Where I just want to fucking chill. Yeah. yeah. And or whatever reason. Something bad in your life happens. Mm -hmm. And you suddenly stop seeing the same numbers you saw. Mm. Yeah. So there is a very vicious pushback from the audiences. Yeah. And they say very mean things about you. Mm -hmm. Mm -hmm. Did you feel that? But I feel like in my case. There, was, there were just too many people who were waiting. मी टू गेट इवेंट तो वो कभी हो ही नहीं पाया सारे लोग देख रहे तो हाउस हाँ, इतने सारे लोग तुम्हारे सिर्फ इवेंट बोलने के लिए देख रहे हैं तो आर यू रियलीवें जस्ट दैट की मतलब वो वाली चीज हो जाती है ना नम्र की तुम कॉन्स्टेंटली ऑडियंस को थोक पे इतना सब कुछ देते रहते हो देते रहते हो stop, मतलब सकते हैं वैल्यूइंग इट या फिर उसको अंडरमाइन करना एंड एवरीथिंग की तो फिर जब तुम उसको छोड़ देते हो ना hmm. तो देर जस्ट लाइक कि बस हो गया Hmm. हैं यही था तेरा ये वो एंड तुम्हारी गाली भी बकते हैं विशेस हैं आई मीन आई डोंट नो सिंस यू हैड अ मोर मेनस्ट्रीम अपील नाउ बट मेरे को पता है कि तेरी विशेस ऑडियंस को लाइव देखना और हाँ. तेरी ऑडियंस को भी लाइव hmm. देखना इट्स नॉट इजी डज इट नॉट फक विद योर हेड हां इट डज इट डज सम टाइम्स इट डज बट आई थिंक इट कम्स विद द विद द पर्सोना आई थिंक मतलब आई hmm. आई कोई गिला शिकवा नहीं है मतलब आई डोंट थिंक अगर हम लोग फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करें वी वुड hmm. चेंज एनीथिंग नो 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 वही वही वाली चीज है वही आर यू नॉट टोल्ड टू बी मोर ब्रांड फ्रेंडली गाइस वी आर वी आर

ठीक <laughs> है इसका मतलब तुम्हारे अगर तुम्हारे बोल रहे हैं कि यू सोल्ड आउट इट्स गुड यार ये तो एलिमेंट्री प्रॉब्लम होती है बिक के इतने गंदे बिको कि मतलब लोगों को दिखो ना फिर तुम ऐसे बिक जाओ आउट स्ट्रेट टू रिटायरमेंट क्या पागल हो तो होते होता है ऐसा हप्पा मारे खत्म हाँ। तो 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 चैनल बेच दो पचास लाख में अच्छा क्यूँ नियो तक आते हैं YouTube चैनल बेच दो पचास लाख में बिटकॉइन की फिर वो चलेंगे विनम्र <laughs> गोय बन गए भाई गॉय क्या होता है थोड़ा एंटी, थोड़ा, थोड़ा थोड़ा एंटीसिमेटिक हो जाएगा नहीं, नहीं नहीं बेसिकली यार मैं कैपिटल एलोकेटर हूं ना अब मैं ऐसे नहीं सोचता कि अपनी वॉइस होने जरूर है कैपिटल कहां लग रहा है भाई अच्छी डील है यार इशू व्हाई डोंट यू टेक इट अरे भाई सीधा-सीधा कैश आउट करने को बोल रहे हो आप तो नया कर लिया दोबारा से क्या हो गया <laughs> पैसा आया अपन पहले तो उसको अलग अलग उसकी एक कराई हो अलग से mm. थोड़ा को दियो फिर दोबारा शुरू कर दियो mm, हाँ, भाई अब दिल्ली बेस्ड यूट्यूबर है कलकत्ता चलाई उसमें क्या नहीं आई थिंक भाई तरीका ही होता है बट yeah. नहीं <laughs> <laughs> लाइक इट्स वेरी अगर मेरे को भी बोलेगा ना मेरा तेरा चैनल एक करोड़ में खरीद रहा हूँ ले ले हाँ डन वो फिर तो हाँ ठीक है भाई ईमान खरीदना है वो ठीक है वो ईमान खरीदना है बड़ा नो नॉट ईमान आई वुड से कि हाँ भाई ठीक है अच्छा ऑन अ सीरियस नोट हाउ अटैच टू टू यू आर यू टू द द कॉमेडी और द कॉन्टेंट दैट यू मेक Are you very very attached to your ideas? नहीं, नहीं, no, then not, you can sell it. What's that, the not, 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 really. That. Holiday home पे कैसा specimen? है? हाँ. Yeah. Yeah. Yeah.

तो इसपे बहुत ज्यादा टाइम था uh -huh. खाली uh -huh. और भी नहीं था मेरे पे था नहीं तो अर्पित कहता कुछ करते हैं, 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 करते करते हैं। मैं था। नहीं, मतलब संतुष्ट संतुष्ट, संतुष्ट संतुष्ट लग लग रहा रहा है, है। बहुत ज़्यादा। जो चाहिए था वो मिल गया थोड़ा सा

ओनली रीजन वाई आई परसू लाइक रोमांटिक रिलेशनशिप्स फर्स्ट इज लाइक मेरे को ना बहुत सारे आइडियाज देती है मतलब जब भी मैं रिलेशनशिप्स hmm. में आता हूँ बहुत सारे जोक्स आते हैं लाइक यू नो यू हैव कॉन्स्टेंटलीट वन पर्सन टू टॉक टू एंड लाइक शेयर योर आइडियाज एंड एवरी थिंग

<laughs> पूल हॉल्स इस जली में पूल हॉल्स है पूल हॉल्स हाँ एक ट्वेंटी फोर है उसके नीचे एक बेसमेंट है हमने अभी शूट के लिए लोकेशन पूछ रहे थे हमारा एक सीन था जहाँ पे हमें पूल टेबल चाहिए था हाँ। जिसपे हम पोकर खेलने वाले थे <laughs> <laughs> पर हमें वो मिला नहीं अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो ढाई बजे खुलता है रात के ढाई बजे मैं पूल हॉल इकोनॉमी को आजकल क्लोजली स्टडी कर रहा हूँ अपनी अपकमिंग किताब के लिए

लाइक like, वो वाली जो चीज़ होती है टर्फ वाली जो चीज़ नहीं होती वाई आर यू प्लेइंग वुमन स्पोर्ट राइट है ना उसको बट बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये तो पूल है भाई इसमें हाँ। तो ये बोल के कि ये वुमे स्पोर्ट है <laughs> तू तो मतलब फैन इसमें क्या चीज़ है मतलब hmm. डार्ट्स Fair. और पोल्स में तू ये सब क्या बोल रही है पर मैंने उसके पीछे ना एक रीजन समझा कि ये मेन और वुमेन के पीछे में ना ये डिफ्रेंसीेशन क्यों है क्योंकि आपने कभी देखा ये जो पोल टेबल्स होते हैं जो जैसी जगहें होती हैं कोई औरत आके खेल सकती है यहाँ पे नहीं। तभी वो डिफ्रेंसिएशन आ जाता है मेन्स और विमेंस वाला पूल में इट इज नॉट कि मतलब वो कि मतलब कुछ एथलीट वाला माइंड सेट है कुछ ऐसे डिफरेंस आएगा इट्स जस्ट सेफ स्पेस नहीं है वो exactly जिस पूल टेबल गया था उन्होंने बोला हमने क्यूँ कहता <laughs> <थी। laughs> <थी। laughs> <आगया। laughs> नहीं वहाँ आराम से अपना लग रहा कि गर्ल्स से कोई गर्ल्स को यहाँ क्या दिक्कत है कितनी कोई तक छेड़छाड़ है जब तुम दुनिया भर में घूम लेते हो ना hmm. तो पूल हॉल्स के तुम्हारे को ना हार्मलेस लगते हैं मैंने तो देखा वहां जाके वही बंदे आएंगे कई कई बार बार पाद की भी बदबू आ रही होती है कुछ और होता बिना नहाए हो धोए आते हैं ठीक है hmm. hmm. चप्पल चप्पल टाइट हाँ, पजामा हाँ, हाँ, और हैकेट की टी शर्ट बिल्कुल <laughs> बिल्कुल बिल्कुल सही और आएंगे कोई नो नॉनसेंस कोई सिगरेट पी रहा होगा कोई कुछ और कर रहा होगा गंदी गंदी गाली देते रहेंगे बहुत जैसे ऐसी नहीं होती

दे स्टिल हैव एबिलिटी कि हाँ हम कुछ बड़ा कर सकते हैं दो ड्रीम जैसा होता नहीं कि हम लोग वेस्ट जाएंगे कैलिफोर्निया जाएंगे वो से आ रहे हैं। वैसे फरीदा पूरा से ड्राई लैंड से आ रहे हैं कैलिफोर्निया में हम लोग कुछ नया, नया वहां पे लेंगे पूरा का पूरा वैसे लोग आते हैं फरीदाबाद में आते हैं न्यूयॉर्क सिटी क्राइम रिटर्न नो बडीज टू ड्रीम नहीं पर वो जा सकते हैं कितना पास है इसलिए साउथ दिल्ली कितना हाँ, बट फिर वही वाली बात होती है होती ना कि मतलब ईस्ट दिल्ली का ये है ये चल गया तो एक ब्रांच खोलने के फरीदाबाद में सीरियसली माइग्रेट डाउनवर्ड नॉट टू द सेंटर फरीदाबाद तो अपग्रेड ही है वहाँ के लिए यू नो रेंट कम जब तू तो चार साल पहले आया था ना तो मुझे लगता था कि ईजिली तो फरीदाबाद से भी ऊपर हमारा टाइम बदल गया है शहर का नहीं नहीं आई थिंक आई थिंक ईस्ट दिल्ली के अंदर ना इतना ज़्यादा वो है कि मतलब पॉपुलेशन और ये वो सारी चीज़ें कि मतलब

जेंट्रीफाइड जो आप सोचोगे ना कि इस एरिया में ये सारी चीजें हैं, तो ये जेंट्रीफाइड होंगी <laughs> नहीं होगा मिक्स सब, सब एक साथ ही है मतलब इट्स लाइक like, कैसे बोलूँ? हार्लेम में ही टाइम स्क्वायर है <laughs> <laughs> हाँ भाई बिल्कुल आज मतलब मेरे को न्यूयॉर्क की रेफरेंस समझनी ज्यादा जरूरी थी इजली समझने के लिए सॉरी <laughs> so यार true, क्योंकि तू तू गया था ना बहुत सारी तो मेरे ये चीज जरूर कहता <laughs> है <हर> सॉरी <बार। laughs> यार मतलब मेरे दिमाग में वही आया <laughs> कोई नहीं कोई नहीं सो व्हेन इज दिस कम आउट 16th ऑफ मार्च को आ रहा है हॉलीडे होमवर्क एंड देन व्हाट देन आई थिंक देखते हैं भाई मेरा सबसे पहला तो डर है कि आई एम ऑफकोर्स लाइक एक एक वीडियो टेक डाउन होगी एक ही वीडियो है हाँ एक वीडियो टेक डाउन मतलब एक स्केच टेक डाउन होगा या फिर कुछ ना तो कुछ वैसी चीज होगी जिससे मतलब हमें डर है कि वीडियो हट ना जाए YouTube वीडियो हट जाए ऐसा क्या बोला उसमें हैं कुछ उल्टा बोला है हम दिखाएंगे ना अभी आपको देखना तुम तुम बताना ठीक है बट यार आई थिंक आई थिंक आई एम बींग लाइक Overly anxious लोगों yeah, ने हमारे दिमाग में भरी है वाली चीज मुझे नहीं लगता उड़ेगी पता नहीं हाँ. किस दलदल में रहते हो तुम यार ऐसे दिमाग दिमागी दलदल में कौन है तुम्हारे आसपास के ऐसे लोग यार लोग हमें डरा के रखते हैं यार नहीं नहीं यार डराने की भी बात नहीं है वो वाली चीज हो जाती है ना कि मतलब एवरीबॉडी इज नाउ आई थिंक ट्विटर वोकल सो दे हैव सीन व्हाट इज बैकलैश एंड हाउ बैकलैश वर्क्स सो लाइक यू कैन आल्सो प्रेडिक्ट बैकलैश ऑन सर्टेन थिंग्स इट्स दैट बैड

और उनको दस ग्यारह साल लगे अपने को, अपने आप को छुड़ाने के लिए एंड बड़ा हेरोइंग अकाउंट था पुलिस टॉर्चर का इंटेगेशन वगैरह में उंगली वगैरह दबाई तोड़ी mm. आ, बहुत पीटा खूब खु, बहुत खूनम खून करा हाँ. तो जब इनका इंटरव्यू करा था तो मैं हैरान हो गया सुन के कि भाई इतना बुरा सीन होता है इंडिया के अंदर mm. कि लोग रॉन्गफुली इंप्रेस हो जाते हैं एंड yeah. uh, तुम्हारे को भी बस देख के ऐसा ही लग रहा था इतना बुरा सीन जो इन्होंने बताया इतना बुरा होता तो नहीं है हाँ। हमें पता मतलब चला क्योंकि हमें पता है हाँ। मतलब हाँ। है हाँ। <laughs> मतलब मतलब बहुत आराम की ज़िंदगी काटते हैं वैसे नहीं है भाई अभी भी हमारा है एक म्यूचुअल जिसका हाँ। कोई म्यूचुअल हाँ। गया था जेल में उसने बताया तो था पूरी कहानी में एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा पूरा बताऊंगा कि वहाँ पे क्या सर्विसेज मिलती है रोज के तीन सौ मिलते हैं खर्च करने को टोकन वोकन मिलते हैं वहाँ वेब सीरीज चलती है बोलते हैं पाताल लोग देख के आए हैं वो तो अंदर से टीवी है सब कुछ है आ, आता है कौन सी कौनसी जेल है ये जेल वेल तो नहीं, जेल वेल तो हम तो हम तो हम नहीं कर रहे रिवील

लोग अपने अपने कार्टल के अंदर प्लेन उड़ा रहे आज भी जैसे कि कुछ हुआ नहीं रखा नार्कोस hmm. वगैरह सारे hmm. के सारे प्लेन उड़ रहे हैं hmm. सोमालिया है के पायरेट आते हैं मेरे यार hmm. जो बंदे मतलब जैसे लोग होते हैं ना क्रिएटिवली इतने ज्यादा ब्लॉक्ड हो जाते हैं कि लिखा नहीं जा रहा है यार यहाँ पे इतना शोर है दोपहर में बैठो टाइलें किसने की आवाज़ें हैं क्या करना है भाई वो जा भाई तू घपला <laughs> कर दो मिनट के लिए बस चले जा, जा अगर तुम्हें पुलिस पकड़ेगी हाइपोथेटिकली hmm. yeah. अभी अगर पुलिस ने पकड़ा है hmm. और जेल जाने की बात करी है हैव यू एवर लैंड अप वेरी क्लोज टू जेल और ऑलमोस्ट बीन अरेस्टेड नॉट रियली नहीं नहीं

In स तो तो के।, no, no. venue, venue तो के कुछ लोग पब्लिक में हो सब कर रहे हमारी मैनेजमेंट या फिर क्लब की मैनेजमेंट कितने लोगों को रोक पाएगी

एक शो हुआ था बट आई थिंक वो जो शो हुआ था they were just like, you know, trying to us एक तरीके से बड़ा yeah, नहीं है ऐसे या छोटे-बड़े करके पैसे कमाना और नो इज इट गुड मनी टू मेक मनी फ्रॉम शोज आई थिंक इफ यू आर लाइक प्रॉपरली मैनेज है ना कि मतलब तुम्हारे साथ में एक ऐसी टीम mm -hmm. है दैट डॉ दैट डजेंट मतलब एक तरीके से एक वॉल बना देती है तुम्हारे बीच में और क्लब ओनर्स और वे पार्टनर्स के बीच में hmm. तो आई थिंक उस टाइम पे शूज करना ज्यादा आसान होता है बट स्टिल भाई आई थिंक यू ऑल्सो हैव टू टेक अ स्टेप कि तुम्हारी जो मैनेजमेंट है तुम्हारी hmm. पीठ पीछे ऐसे स्टेप्स ना ले रही हूँ कि तुम्हारे को वो इवेंट मैनेजर फिर से ना बुलाएं आई थिंक मैं और अर्पित ना अब ऐसे स्टेज पे आ गए हैं कि हम लोग हमेशा से यही था हमारा खुद का सब कुछ रहता था हमारे पार, हमको पार कंट्रोल की आदत है कि खुद ही कैमरा खुद ही सब कुछ कर लिया हाँ। खुद ही एडिट करके डाल दिया लोगों ने देख लिया चढ़ हाँ, गया हाँ। अब हम ऐसे स्टेज पे है ना कि अब हमको मिल हमको चाहिए लोग जो हमारे लिए कुछ काम कर दे ये वाले छोटी छोटी चीजें हमको वो मिलते नहीं और हम हो गए इरिटेट

बताओ कितने करेगा हो 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 गए 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 भाई मेरे हो यार 200-300 मुझे याद नहीं।, नहीं पहले शो पे भी 200-300 कम भी साथ में आ, नहीं दिया एक तो फनी बात है ना कि एक इंटरव्यूनमी है लेने जा रहा हूँ पॉडकास्ट वर्ड आया पॉडकास्ट कर रहे हैं पॉडकास्ट दे रहे हैं पॉडकास्ट ले रहे हैं मेरे को लोग बोलते हैं किस, किस का पॉडकास्ट ले रहा है <laughs> <laughs> कैसे किसी का पॉडकास्ट में yeah. hmm. थोड़ा थोड़ा वर्ब वर्ब बना नहीं है नहीं। नहीं। उस, उस पे ना, I'm जी, वो ये तो एक फॉर्मेट है बड़ी सारी अरे वो तो कई किसी का भी पॉडकास्ट लेता है क्या जैसे जैसे तुम लोगों का ऐसा यूनिक इंटरनेट इंटरनेट फर्स्ट

बहुत ही ऐसे ही ऐसे है तो ऊपर इतना स्ट्रेस एक तरीके से अगर मैं इतनी मेहनत ना तो फिर वो करने वक्त डबल एंग्जाइटी डबल को, भाई, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा टू like सुमित आनंद उससे मेरी बात हुई है ना

Yeah. Now they do. Yeah. yeah I, I think na? so. I think so. Earlier it was too dangerous to be associated with you back in the day. No, it's not like that. I think now it's just. It's bro, no, trust me. It's very cool to to like be associated with you now. It's easier to associate with me now because earlier if they associate with me, they didn't have any incentive. Hmm. not right? like, creators like me. Hmm. So, like, why hmm. me? Yeah, Matlab, I think wo? it's smart that.

नहीं करने ना नहीं करना नहीं नहीं मेरे को नहीं लगता कि स्टैंड अप कॉमेडी कॉमेडी मेरे लिए है बिकॉज मतलब आई 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 एम हैप्पी विद द ऑडियंस दैट हैव है ना कि उनके सामने जाके मेरे को जो बोलना है मैं बोलता हूँ जिस तरीके दे नो एक्सपेक्टेशन इज एन एवरी स्टैंड अप कॉमेडी इज अनदर स्किल सेट तुम्हारे तुम्हारे अंदर उसका स्किल ये होता है कि तुम्हारे को किसी भी क्राउड को हसाना है भाई कितना मुश्किल है कि वो रैंडमली हर क्लब को हंसा हंसा के अपनी पर्सनालिटी थोड़ी थोड़ी डालता रहता है हर सेट में hmm. फिर वो पीपल स्टार्ट कैचिंग अप दे फॉर्म अ कल्ट जिसके ऊपर वो कैश इन करके क्लब्स भरते हैं ये सारी चीजें भरते हैं सब करते हैं विच इज लाइक

बिल्कुल नहीं कर सकता कि कॉमेडी खुल hmm. के yeah. इस तरफ जा भी नहीं सकता है अब सारे एक ही तरफ जाएंगे नहीं करना आई फील लाइक दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर लाइक यू नो ट्रिवियल कॉमेडी फॉर टॉयलेट ह्यूमर फॉर ब्लू कॉलर कॉमेडी गंदी बातें करना ऐसी बातें जिससे सु, सुन के मतलब लोग ही बोले थे इससे बढ़िया तो हम बहन तो क्लास की लास्ट सीट पर बैठ के चार लड़के करते थे बहन की जो ये य, ये होना चाहिए अब कॉमेडी मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड क्योंकि इसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आप नहीं कर सकते But I, I really like मेरे उत्तर उत्तर <laughs> <laughs> उत्तर उत्तर कुमार? कुमार हरियाणा का वो कलाकार है जो हाँ। अपनी खुद की पिक्चरों में आता है यार जो मीम नहीं है मशहूर देख के चला ले इसे वो हरियाणा का बहुत बड़ा एक्टर है जो उसकी टुकाई करता है

फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए आपके काम के ना या, 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 या।, या तो आप पीटो बहुत बढ़िया भाई इट्स वेरी इजी तुम लोग हैं जो एक से एक बढ़िया वन लाइनर लिख लो मीम बना लो है ना बहुत बढ़िया बट अगर कोई बंदा छाती चौड़ी करके अपनी शक्ल दिखा के पीट दिखा रहा किसी हो किसी को डेढ़ सौ लोगों के सामने किसी पे बहन जूता रख रहा है जूता वो अच्छा वो वाली और फिर उसको केमिस्ट्री की बुक भी पढ़ा हाँ तो आई थिंक

और आप लोग कह रहे गी हो पॉलिटिकल कॉमेडी <laughs> ये तो पॉलिटिकल कॉमेडी ही, ही है ये ये है, ये, ये, ये ही ही समाज पे सटाया है कि ऐसी चीजें हम क्यों नहीं कर पा रहे या ही इज़ द ही इज़ द एंटी हीरो जिसके हमें जरूरत हाँ, है ऐसी, ऐसी 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 चीजें करने के लिए क्या जरूरी है कि मेरे को इंस्टाग्राम लाइव होना पड़े कि जरूरी है कि मेरे पास रीच हो ऐसी चीजें सिर्फ और दलाल क्यों कर पा रहा है मुझे भी करना है हम सबको करना है

तो मेरे साथ में ना एक आदत होती थी कि घर वाले मेरा प्ले स्टेशन टू छुपा देते थे अगर और अगर होता भी तो था, था मेरे पास तो आइडेंट और मेमोरी कार्ड तो मेरे को सारी गेम जैसी खेलनी पड़ती थी न्यू गेम पाँच घंटे लगातार क्योंकि आई कूड सेव इट तो हर हर गेम मेरी होती थी वैसे वाली

होगा कुछ एक दो ज्यादा नहीं तेरा नंबर क्या है मेरा तीन इस वाली का और इसका डेढ़ मेरा तो पांच और तीन है नहीं। नहीं। मैं खेलता था सोलह सोलह घंटे हाँ वही तो फिर मम्मी ऐसे ना बहन क्या करती थी छुपा देती थी कहना नहीं चाहिए मैं आठ आठवीं नौवीं में भी हो के ठीक है मैं बहन जो खिलौनों से खेलता था भाई भाई तुम्हारे कभी ऐसे क्या कहते हैं बेबलेट वगैरह गेम्स हुए हैं भाई मेरे साथ में तो लाइक बेबलेट के साथ में ना बहुत गंदी मेमोरी अटैच्ड है लाइक क्यों मेरे, मेरे मारा था लेबेट किसी ने हो जाए शुरू नहीं नहीं, <laughs> नहीं, नहीं।, <laughs> नहीं क्या हुआ आई वाज लाइक फर्स्ट क्लास फर्स्ट ग्रेड

ऐसे <laughs> करके बस बैठा हूँ लंच ब्रेक तक आते आते मैं वॉशरूम गया था ये वो बैग में है नहीं हम्म। भाई मेरी गांड फट के चार रोना निकल रहा है मेरा ठीक है सोलह सौ सो दो हजार रुपए का आया हाँ भाई रोना निकल रहा है मेरा मुझे ये नहीं पता कि मैं भैंस मैम से बात करूँ क्या बोलूँ मैं मैम से फिर मैम बोलेंगी तू खिलौने लेकर आया स्कूल में है फिर तो वापस ही नहीं मिलने वाला है ना

हाँ uh -huh. उसका छोटा भाई है लक्ष्य महाजन हाँ uh -huh. उसने बोला यार तेरे बताना नहीं चाहिए यार बट यार बचपन में ना हमने वो चुराया था हा, oh. और हाँ और और वो चीज़ मेरे को ऐसे लगी थी डैम I thought you guys guys were like my friends. <laughs> <laughs> Why would you do that? <laughs> hmm. But yeah, that happened. लोगों को बता देते हैं नई गुड न्यूज शेयर करूँ लोगो में भी तो चमकू भाई मेरे को लोग जाने मैंने एक काम कर दिया कह रहे हो सारा डूब जाए और ऐसे ही होता है मैं कुछ भी नहीं हो रहा है कुछ नहीं ही, बेकार चल रहा, कुछ है ही नहीं है. Yeah. अंदर चाहे कुछ भी हो रहा हो इट पेज आउट आई अगर तुम कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट भी कर रहे हो ना हर इंसान को सिर्फ नीट नो बेसिस पे रखो <coughs> बेटर <रहे है। coughs> कुछ तुम्हें नहीं पता कि कौन इंसान किस या yeah. कल बेबलड है आज कोई और चीज होगी या yeah. uh, ये तो तब भी हुआ था जब मैंने वो हंड्रेड के पे मेरे आंसू निकल गए थे <laughs> और उसके बाद बहनचोद एक हफ्ते बाद वही अकाउंट उड़ा दिया था बिकॉज़ दे जस्ट वांटेड टू लाइक यू नो कि मतलब इफ 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 दे रियलाइज या दिस शिट मैटर्स टू हिम या दिस इज हिज टेंपल दैट वी नीड टू डेसैकरेट वाओ बंच ऑफ मोहम्मद गजनवीज घोड़े पे <आए>। <laughs> <laughs> तोड़ो इसे <laughs>

तो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है लोकल वो आ गया चलाने के लिए कि मैं हेल्प करूंगा ठीक है वो ऐसे ठीक है भाई आ जाए कोई दिक्कत नहीं है वो ओवर एंथुजियास्टिक मोटू था उसने ऊपर वाला बटन दबाया और मैं देख रहा हूँ वाव क्योंकि मैं डर डर के दबा रहा था ऊपर 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 तो हेलीकॉप्टर इतना तो ऊपर हवर करे फिर मैं नीचे ले लेर के मारे ठीक है और मैं कंट्रोल कर रहा हूँ उसको थोड़ा बहुत हवा में उसने सोचा क्या है अनपढ़ आदमी वैसे ही और उसने जाके फुल ऊपर कर दिया हेलीकॉप्टर मेरी आंखों के सामने अपनी हाइट से ऊपर तार से ऊपर और छतों से ऊपर पेड़ों से ऊपर और अब वो उधर जा रहे है। अब वो दूर आप, जा रहा है अब दूर जाये जा रहा है ठीक है और मैं कह रहा रहा मेरे को लग रहा है वाव कितनी ऊपर तक उड़ता है तो मैं उस उस चमत्कार को देख रहा हूँ और वो उड़ता जा रहा है उड़ता जा रहा है उड़ता जा रहा है उड़ता जा रहा है वो इतना ऊंचा उड़ गया कि उसने अब छोड़ दिया वो फिर भी उड़ता जा रहा है उड़ता जा रहा है उड़ता जा रहा है और छोटा सा डॉट बन के गायब हो गया टीम रॉकेट जिंदा है <laughs> मुझे मैं उस वक्त मेरे मतलब मन तो ऐसी आई मेरे मन में जितने जो भी वो होते हैं ना कि इंडिया में क्लासिज्म क्यों होता है जितनी गंदी बातें होती हैं सब मेरे मन में वो आई मैंने कंट्रोल करा मैंने कहा ये क्या करा है आपने ये <laughs> फिर उसके बाद मैं मैं फिर रोना रोना निकल ही गया मेरा yeah. मैं घर के अंदर गया बर्बाद कर दी मेरी जिंदगी अच्छा ये ऐसा टॉय था पूरी क्लास में किसी के नहीं। मतलब मैं लड़का था जो हो नहीं पाया फिर हम गए किसी ग... अच्छा फिर हम ढूंढते ढूंढते किसी गवर्नमेंट स्कूल पहुंच गए तो वहाँ बच्चे वगैरह खेल रहे थे तो अब हम ढूंढ रहे हैं बच्चों ने हमें ज्यादा ध्यान मान नहीं दिया कि ये कोई आए होंगे करने के लिए तो और तुम छोटे होते तुम शायद होते तो बड़े तुम्हारे बिहार पे बात करते हैं हाँ। कि यही बात करेगा तो कहता बच्चों कोई हेलीकॉप्टर है या नहीं है मैं और गाड़ी गए थे वो वो वाले तो तो फिर वो कहते नहीं है नहीं है हमने नहीं देखा हमने नहीं देखा और बहुत दूर कहीं कहीं चला चला गया गया किसी पेड़ में चला गया। <coughs> तो फिर मैंने कहा क्या करे मैंने कहा इनको सौ रुपये के नाम की बात करो आप आप बात करो ठीक है कि सौ रुपये दे देंगे सोलह का का शायद मिल जाए तो कहता सौ रुपये का इनाम सौ रुपये तो मैं सारा खा लेता हूँ चले यहाँ से

वो दोनों भी पॉडकास्ट कर रहे हैं। लाइफ रफ आई क्लोजली। की जिंदगी में एक ऐसा फेवरेट खिलौना होता जिसके लिए वो मतलब मरता है, जिसके yeah. होता कि ये लड़का ना ट्रैक्स का दीवाना hmm. yeah, मतलब, हाँ, है कि मतलब दुनिया की सारी सारी जो साथ है न, उसके सारे रूट्स उस के खो जाने टूटने से इन्वॉल्वड है तू खिलौनेबाज नहीं था मेरे पे भी थे यार ये सब चीजें पर ऐसे कोई कहानी रिलेटेड नहीं अच्छा ठीक है भाई इसका था ना वो फिज़ेट स्पिनर वाला <laughs> फिज़ेट <laughs> स्पिनर हाँ उसमें तो, तो, पूरा पूरा तो पूरा ही है क्या कहते हैं प्रथम मिश्रा के साथ कहानी है ना क्या चीज अरे मेरे पे, पे ना रोता था, वाला. हाँ. तो मैं स्कूल में ले आए, चमकाने को, और मेरे पे कलेक्शन ही थी प्रॉपर इतने किसी पे नहीं थे सब अभी चालू कर रहे थे एक दो मेरे पे दस पंद्रह हो गए थे तो रोज नहीं रोज नहीं रोज नहीं तो एक दिन मैं लाया कैप्टन अमेरिका वाला तो प्रथम भाई का दिल आ गया उसपे कहता भाई एक दिन के लिए ले जाता हूँ कल आ जाऊंगा भाई मैं भी इधर उधर मैंने कहा चल ठीक है इधर उधर दिखा के हाँ मतलब मैं भी दिखाऊंगा कि भाई अपने पास भी है तो मैंने कहा चल ठीक है तू ले जा खेल आया एक बार हाँ, तो अगले दिन आया भाई आया नहीं फिजिट स्पिनर एक दिन हो गया दो दिन हफ्ता हो गया मैंने कहा भाई ठीक है कोई बात नहीं अब लिया एक हफ्ता हो गया हो गया तो खेल लिया होगा बढ़िया से <laughs> क्या क्या ही खेलना है भाई फिजिट बहुत हो गया भाई डन ब्रो स्ट्रेस रहा है <laughs> तो ऐसी छुट्टी का दिन तो था एक हाँ। मैंने कहा कि चल ठीक है अब घर आ रहा है तो फिजिट स्पिनर लेता हुआ हाँ। तो कहता अरे रख लिया है कोई दिक्कत नहीं आज ला रहा हूँ मैंने कहा ठीक है एक काम करियो नीचे आने से पहले ना नीचे पहुंचेगा जब घर के तो फोटो भेज दियो हाँ। मेरे पास आती है फोटो एक अंग्रेज औरत पूरा नील पेंट लगा हुआ दिख रहा है उसके हाथ में सेम फिजिट स्पिनर है कहता देख लेके आया हूँ इससे बैकग्राउंड भी लिया कोई जमीन का टेबल टेबल पे पकड़ रखा है औरत ने और वो भेज रहा क्रॉप करके गंदी सी क्वालिटी में ने कहा बहन चो नाक इधर कर गांड उधर कर वापिस लौट जाए जहां से आया कहता नहीं मैं तो ऊपर आऊंगा आया घंटी वंटी बजा रहा है मैंने गेट नहीं खोला उस दिन फिर एक महीना हमारी बात नहीं और फिर उसको मैंने ड्राफ्टर से पीटा <laughs>

<laughs> मतलब जैसे हमारे पास बेबलेट थे वो भी हाँ। मैकेनिक बिड़ाते थे, थे। उससे पहले जो लट्टू जनरेशन हाँ। थी जिनको उस रस्सी को लट्टू रैप करना, रैप करना कर, हाँ। चलाना पूरा एक रिचुअल होता था भाई तुम्हारे हाँ। को पहनचो ये वाला टॉयज में क्या है भाई खेला और रख दिया साइड में हमारा भाई पूरा ट्रंक आता था भाई आ, उसकी और वो के एक बड़ा मशहूर आई यू गाइस था गैराज होता था भाई पूरा का पूरा याद है गाड़ी घुसती थी ऊपर जाती थी वहां पे बेंचो पानी डलता था उसके ऊपर वो साइड से निकलती थी और ये सब होता था भाई था मैं बहुत छोटा था ना मेरे भाई के पास था और मेरे को ऐसा लगता था मेरे घर वाले मेरे से प्यार ही नहीं करते उसको क्यों दिया नहीं मैंने भाई मेरा तो लेट हाईएस्ट मार्क्स भाई मैं तभी कह रहा हूँ ना यू नीड जेमी जो बैच जो स्क्रीन पे ये दिखाए तेरे को अभी गराज वाला हाँ गराज

<laughs> वैसे कैसे <laughs> क्या वैसे बना के रखते थे कि इसकी भाई तो <laughs> कभी और बोलते घोड़ी <laughs> बना के घोड़ी बना के रखते थे भाई उसके पहिए ऐसे हो गए हाँ। ये वो भाई और उसके साथ में भाई उसके साथ तो पिट्ठू खेलने ऐसी मैंने एक बार हॉट व्हील्स जब यूज करा था ना मैंने डिस्कवर करा कि अगर तुम पानी मारते हो ना गाड़ी पे तो ऑटोमेटिकली आगे चलती है हाँ। तो मैंने एक दिन गार्डन में सारी गाड़ियां रखी और उस उसमें पाइप का पानी मारा गाड़ी अपने आप आगे जाने लगी मैंने कहा वाह इस पर छोटी कर दी मैंने फर्स्ट टाइम जब जब इंस्टाग्राम आया था ना दो हजार अभी भी भाई मैं इंस्टाग्राम पे यही देख रहा होता हूँ दो होती है, रेस ट्रैक पे और सट्टा लगाओ, कौन जीतेगा? उए, भाई यार आजकल हाँ बहुत सारे ऐसे वो वा है ना यूट्यूब फिजिकल गेम्स खेल हाँ, चार, चार गाड़िया रख देंगे ट्रेडमिल पे कौन पे कौन सबसे लास्ट तक रहेगा तुमने वो वाला देखा जिसके अंदर एक बंदा होता है जो टॉयलेट के दो बोल बॉटल्स वगैरह की लड़ाई कराता है आपस में कौन सी जीतेगी

सारे लोग जो मुर्गों की लड़ाई होती है हमारे यहाँ इंडिया में नहीं। हमारे यहाँ नहीं होती नहीं होती बट मैं और आरू और ऋषभ क्या करते हैं रात में अगर कभी भी यूट्यूब चल रहा है ना हम सट्टेबाजी करते हैं उस पे स्कॉर्पियन वर्सेज स्नेल

bull vs car oh. हां भाई bull vs car ये सारी चीजें भाई मेरे को वो वाले मीम्स बड़े अच्छे लगते हैं जिसके अंदर ना आदमी जाता है जंगल के अंदर और फिर एकदम उस पे उसपे लेपर्ड कुत्ता फिर बोलता है गुड मॉर्निंग अब अभी तक सो रहे हो <laughs> लो कर लो बात लो कर लो बात वो वाली चीज देखी तुमने आजकल रील्स पे होता है और एकदम से शिवजी आ जाएंगे बेटा अगर तू एक असली शिव भक्त है तो इस रील को अभी लाइक कर देगा भाई बड़ा डेंजरस है रिलीजियस रिलीज करना आदमी को हाँ भाई कि मतलब अजीब सी कोई रील चल रही है एकदम से अगर तू एक असली हिंदू है तो तू ये कर देगा और उसके क्या बोल रहा था बता बता हाँ, और उसके बाद बिल्कुल टोटली अनरिलेटेड गली चीज हो रही है किसी बंदी के प्राइवेट पार्ट्स फोकस होता है रील में और तुम By, by chance वो कैमरे का वेस्ट एंडरसन का पॉइंट होता है तो हाँ. उस पे ही देख रहे हो रील पे तो तुम और कुछ कर नहीं सकते हाँ। फिर एकदम एक से हैं है। एक अच्छा, तो <laughs> 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 है कि और किसी की स्कूल का हिस्सा बना जाए और उसको फिर ऐसे गिल्ड भी कराया जाए कितनी लंबी प्रोसेस है घर पे बैठा है है वो ये कर रहा था उसको बहुत गालियां पड़ती है ईजी स्निपेट करके ही कैपिटलाइज्ड ऑन दैट ओनली कि मतलब वो कोई रील चलाएगा और एकदम से रील रोक के बोलेगा अच्छा देख लिया अब ये समझ लो हाँ या अच्छा ओ जो कोडर टाइप का कोडिंग कोडिंग सिखाता है हैव यू गाइस सीन दिस गाय कॉल्ड यंग सैटर्न या ओ भाई कैसे हो अर्पित भाई भाई वो कैसे हो भाई मेरे को बहुत अच्छा है मैं उससे मिला था यंग सैटन है मेरा नाम मैं आज यहाँ पे आया हूँ भाई, भाई आप क्या कर रहे हो यार लाइक <laughs> like, मैं उससे जब पहली बार जयपुर में मिला था ना लाइक लाइफ इज वेरी चल रही है yeah. <laughs> छ अच्छा, yeah, yeah. he, like, you know, साल के बच्चे को किसी ने दारू पिला दिया <laughs> yeah, कैसे हो आप <laughs> <laughs>

कि तुम्हें फर्स्ट टाइम रिलाइज होता है ना कि तुम्हारे पे कोई रूल्स नहीं, नहीं है कोई बाउंड्रीज नहीं है और इंडियन से तो देख रहे हैं मेरे को और यहाँ पे तो मेरी अलग जिंदगी है तो तुम ऐसी चीजें करते हो hmm. मेरा पूरा आग था जहाँ मैं सेल्फ हेल्प की बातें करता था सिर्फ यू कैन चेंज योर बिलीव एंड नो यू बीट यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट और किसी को देख के भी नहीं खुद ही से मैं नहीं भाई बट दैट गाइज ऑल्सो लाइक यू नो रोलिंग ऑन द ग्रास पूरा अच्छे से वो वाली चीज वही गुरु वाला हाँ,

टेंशन yeah. उसको लगता है कि उसकी शिट पोस्टिंग जो थी वो टेंटेड हो रही है माई गॉड क्या वर्ल्ड है yeah. Brain rot भाई ये ब्रेन रॉड हो गया भाई ब्रेन रॉड मतलब

Damn. <laughs> भाई रिशु तू तो बता दे कुछ अपने और मैं ये नहीं बोलना चाहता तो और बता दे कुछ नई बात तो बता दे अपने बारे में तीन चार अरे कुछ नई बात नहीं है यार शो देख लेना हमारा थक गए हैं हम लोग क्या ज़िंदगी में हाँ, कल शो करके आया ना बना बना के हाँ आप, शो कैसा रिस्पॉन्स कैसा रहा क्या ताली वाली मार मतलब रहे थे अरे पूरा फट रहे थे

नहीं भाई आई वॉन्ट टू हैव अ गुड टाइम है ना तो फिर उस टाइम पे आप सिली से सिली जोक भी मार लो बिटी से बिटी जोक भी मारो सब पे हंसी आती है लोगों को बट हाँ. YouTube पे गारंटीड लाफ होना इज नॉट गारंटीड यू डोंट इवन नो इफ दे आर लाफिंग तो बस तुम्हारे बस व्यूज आने क्योंकि ऐसी पब्लिक सेटिंग में ना कंटेजियस हो जाता था था हाँ, या। या। हाँ। मतलब हाँ। है सब कुछ कि मतलब हंस रहे हैं और लोगों को भी ऐसा लगता है कि आई एम रॉन्ग

तो थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे भी हम उसमें hmm. अच्छा तो अब तभी तुम्हारा 19th के 18th को रिलीज हो रहा है। 16th 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 हो रहा है को रिलीज yeah. हो रहा है yeah. 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 बड़ी बड़ी a, है है को को मार्च रिलीज हो हो ऑन लेट्स गो या इट वाज बहुत बढ़िया सीन है भाई मेरे लगता गया फाइनली आई आई एम नाउ नाउ कैन फोकस ऑन बताऊंगा भेजे बाद में बात करते हैं इसके बाद में बात है, करते हैं कूल यार गाइस दिस वाज अर्पित बाला एंड ऋषभ बरोड़ा के डैंक रशू दिस वाज दोस कास्ट यस 1000 या एंड सी ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड टेक केयर बाय बाय सायोनारा